कोहरे की वजह से फतेहाबाद के रतिया भुना मार्ग पर एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक और बस में सवार 5 से 6 लोगों को हल्की चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घायलों ने बताया कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। ट्रक चालक गलत दिशा में आ रहा था और उसके द्वारा इंडिकेटर भी नहीं चलाए गए, जिसकी वजह से बस की और ट्रक की टक्कर हो गई। सुबह धुंध थी तो वो ट्रक वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसे ना लाइट जा रखी थी, तो उसने बिल्कुल भी साइड में निकली गाड़ी, तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में करते करते उसको लग गई। तो आपके कहाँ चोट आई? मुझे पाँव में और एक हाथ में इसमें चोट थी, थोड़ी जो पहचान रही थी। वो स्पीड में था ज़्यादा? स्पीड में नॉर्मली स्पीड थी, लेकिन लाइट नीचे सार की थी, धूम थी इसमें थोड़ी, अगर वो लाइट से साथ तो सामने पता चल जाता साधन आ रहा साइड दबा गया। वहीं इस हादसे की वजह से सड़क पर जाम लग गया। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का शिकार हुए वाहनों को साइड में करवाया और यातायात को बहाल किया। थोड़ी धुंध करके बस बस स्पीड से सी गई, ते बस वाली दी थोड़ी गलती सी गई, ट्रक से लग गई। अच्छा, ये बस कितो आ रही थी? पुणे तो रती जा रही थी। अच्छा, ट्रक रती है तो आ रहे? हां जी, रती वाला आ रहा था। ट्रक स्लो सीगा? ट्रक तो थोड़ा स्लो ही सीगा जी, बस थोड़ी जा रही थी। सर्दियों के मौसम में सत्य खबर अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि रॉन्ग साइड ना चलें और वाहनों की लाइट का इस्तेमाल करें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।